सो गाइस, आज देखने वाले हैं पार्क की खूबसूरती। उसके अलावा हम लोग कुछ गेम खेलेंगे, जैसे कि गुब्बारा फोड़ना हो या ऐसा। उसके बाद जो है इनका गांव देखेंगे, इस पहाड़ी गांव, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गांव देखेंगे। उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ती करेंगे, उसके बाद हम लोग स्विमिंग करेंगे, बहुत सारे माउंटेन जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना गाइस। सो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इससे पहले पार्ट में आप लोग को देखने को मिला था पहाड़ में कहाँ तक आए हैं और उसके बाद क्या परचेस किया यहाँ पे और इस मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो तो आप लोग देखे होंगे। उसके बाद जो झरने के पास जाके हम लोग सब ग्रुप में मिल के वहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह और थोड़ा सेल्फी वेल्फी लिए, थोड़ा चिल किए। उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या किए वो आप लोगों को आगे के ट्रैवल्स में देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहना, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना गाइस। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गुब्बारा था, तो बच्चे लोग जिद कर रहे हैं कि हमें मारना है, तो इसको मार के दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मारो। हाँ सुबह तो सबको मारा थे। ठीक है, ठीक है, हम को मारते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ जड़ी बूटी, पहाड़ी जड़ी बूटी जो है यहाँ पे है, देख सकते हैं पटल में बहुत सारे चीज है। यहाँ पे स्वीट भी बहुत सारे आइटम्स रखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो है जड़ के लिए, दर्द के लिए शायद ना खाते सर ना, इधर देखिए यूस आओ तलम उड़ गया इधर इधर ऑयल मिक्स पड़ी अदर पड़ो। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये जड़ी बूटी है, इसमें ये ऑयल मिक्स करके सर के बालों के लिए बहुत कामी चीज़ होती है, तो ये यूज होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिलहाल। और यहाँ बंदर के कुछ बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा बातें कर लेते हैं। अरे कितना छोटा बच्चा है। सो गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे रास्ते से रह के आपको ये पहाड़ी गांव जो है, छोटा सा गांव है, ये गांव को देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसका व्यू आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ उतर गए हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करना है। सुबह का हम लोग खाना उतना नहीं खाए, अभी खाएँगे उसके बाद देखते हैं। सब चला गया, चार आदमी पाँच आदमी चला गया, हम लोग यहाँ से दो आदमी जा रहे हैं। अभी रेस्टोरेंट में आ गए हैं हम लोग, तो पहले ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर थोड़ा पिए रहेगा। दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट के ऊपर हैं, तो ये दिखा देते हैं व्यू आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे टूर का बस वस सब जो गाड़ी है पार्किंग सब यहाँ पे लगा के रखे हैं। सो ये जो है एक कोडिकनाल का एंड है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के बाद यहाँ से लोकल आप गाड़ी पकड़ के, क्योंकि इसके ऊपर जो है रास्ता थोड़ा ख़राब भी है अच्छा भी है। तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जो यहाँ का लोकल ड्राइवर है उनके लिए सही है रोड और ये रास्ता, तो यहाँ के लिए उनके लिए सही है, तो ये रास्ते में जाने के लिए उनको लेना पड़ेगा। तो आगे का सफर आप लोग को दिखाएंगे, तो अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं, चलते हैं। तो यहाँ सब बैठ गए हैं, देख सकते हैं नाश्ता के लिए, सब चिल्ला रहे हैं इतना कि आप क्या बताएं, कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनका भी ऑलरेडी पूरी आ गया है, वो खाने के लिए जो है बिस्मिल्लाह कर दिए हैं। बाकी यहाँ भाई लोग बैठ गए, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर आ रहा है। पूरी आ गया है, अब इसको ट्रायल करते हैं थोड़ा। उन्होंने कुछ कभी इतनी दो पूरी है, इसका मसाला खा के देखते हैं कैसा लगता है।
अच्छा है, मसाला अच्छा है, दाम रेट के हिसाब से चलेगा, फिर भी तो खा सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जो है भाई बोर्ड में अभी हम लोग जा रहे हैं, जो पानी का जो फॉल्स होता है उसमें झील के जैसे होता है, झील में बोर्ड होता है, और तो बोर्ड में अभी हम लोग थोड़ा ट्रैवल करेंगे, तो देखेंगे अभी बोर्ड में क्या सुविधा रखा है, और उसका थोड़ा आपको भी सैर करा देते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ है, आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, जो यहाँ पे घोड़ा का रेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि घोड़ा भी रेंट में मिलता है, आप घोड़ा को लेके अपना जो पहाड़ी में जाके चढ़ सकते हैं, और पहाड़ में उसको उठ के जो है उसका ट्रैवल्स कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है फिलहाल टिकट ले लिए, हम लोग 6 बंदे का टिकट ले लिए, हम लोग देख सकते हैं टिकट, अभी फिलहाल टिकट ले लिए, तो आगे जो है हमारा बोर्ड जो है आगे रेडी है, तो अभी बोर्ड में जाएंगे, जाने के बाद हम लोग 6-6 12 बंदा है, 12 बंदा तो लेके अभी उनसे तो वहाँ पे बुला रहे हैं, वो तो वहाँ जाके अभी उनको टिकट देते हैं, देने के बाद हम लोग को बोर्ड रेडी करके वो देंगे, ठीक है। तो ये जो है झील है, इसी बोर्ड में, इसी झील में हम लोग को बोर्ड अभी चलाना है, ठीक है। नीचे है। मुझे तो एकदम पूरा लग रहा है स्विमिंग का मास्टर जैसा लग रहा है, ठीक है ना, तो जैसा ऐसा लग रहा है, फीलिंग ऐसा आ रहा है मेरे को, तो फिलहाल अभी चलते हैं, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं राम जी भी एकदम पूरा जो है पूरा एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम लोग आ गए हैं। इसमें तो पैर दर्द हो जा रहा है, ये अच्छा है क्या समझे ना, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अभी आ गए हैं झील में मच्छी पकड़ने के लिए, है ना, क्या करने के लिए आए, मछली पकड़ने के लिए ना, मछली पकड़ने के लिए आए हैं, तो मछली पकड़ने के लिए आए हम लोग, मच्छी जा रहे हैं पकड़ते हैं, देखते हैं कितना मच्छी गिरता है आज, मच्छी हम लोग का तक... हवा देख भगली है वाला बढ़िया, पीछे रह गया उन लोग, बंदा लोग, हमारा जो बंदा है वो पीछे रह गया, तो देखते हैं यहाँ पे ठंडा बहुत है, ठीक है ना, ये कोड़ी किनाल आप अगर आते हो विजिट करते हो यहाँ पे, तो इसका अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर, मतलब ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ है जो फैमिली के साथ आके अपना टाइम को बिता सकते हैं, और छुट्टी वुट्टी में आके आप अपने यहाँ पे घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम का भी रेंट जो है, भाड़ा जो है वो भी इतना खास ज़्यादा नहीं है, तो मैं वही बताना चाहता हूँ, तो आगे चलते हैं देखते हैं, अभी फिलहाल हम लोग कितने बीच में आए हैं देख सकते हैं। ये जो है ये मतलब ये जो तालाब में जो हम लोग अभी जो स्विमिंग कर रहे हैं, ये स्विमिंग का जो है इसका पहला गेट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे था, तो अभी पानी का यहाँ पे किल्लत की वजह से ये पानी पूरा ये भर चुका है, तो ये रास्ता बंद हो गया, वो सब वही होगा शायद, तो होगा शायद, तो ये जो है अभी देख सकते हैं टूट के अभी गिर गए हैं, तो इसके अलावा अभी इसका रास्ता जो यहाँ से फिर अभी छोड़े हैं, तो ये है वाटरफॉल्स का साथ में, और ये झील देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर मच्छी वगैरह घूम सकते हो, और इसमें बोर्डिंग भी कर सकते हैं, तो ये है यहाँ का खूबसूरती, तो ये है कोड़ी किनाल का नेचुरल ट्री, आप देख सकते हैं ये पुराना क्यों है, इतना बड़ा है और इतना पुराना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बैरियन पार्क, इस पार्क को अभी हम लोग 2 किलोमीटर है यहाँ से अभी निकलेंगे, ये रास्ता जा रहा है इसका, तो इससे गाड़ी से जाएंगे क्योंकि चल के जाने में बहुत लेट हो जाएगा,